नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मार्ताज। कुछ दिन पहले नारायण मूर्ति साहब ने बोला था कि हर किसी को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। आज नीलेश शाह ने बोला कि हर किसी को हफ्ते में 84 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि जापान में और नॉर्थ कोरिया में और चाइना में लोग ऐसे ही काम करते हैं, एक जी जनरेशन ऐसे ही काम के फिर जाके वो इस लेवल में पहुँचे। अभी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे इतने काम इस वजह से किए क्योंकि वहाँ पे काम के हिसाब से उतना हाथ नहीं था, तो एक तो जितना काम था वो उस हिसाब से उतना बंदे नहीं थे करने के लिए, इस वजह से वहाँ पे इतना काम किए। इंडिया में अभी बंदे बहुत हैं, अनएम्प्लॉयड बहुत है, तो इस वजह से इंडिया में काम ज़्यादा देना चाहिए कंपनी को, ताकि हम लोग काम ज़्यादा कर सके और ताकि हम ग्रो कर सके। और ये छोड़ के अगर कुछ इम्प्रूव एक्चुअली करना ही है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये इम्प्रूव करना चाहिए कि जो भी 8 घंटा काम किए वो एफिशिएंटली काम किए, क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि 50% लोग 8 घंटे में 4 घंटे का काम करते हैं और 50% लोग 8 घंटे में 8 घंटे का काम करते हैं। तो अगर ऐसे 100% अगर एफिशिएंसी ला ले तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 84 आवर्स वर्क पर वीक ओनली, अगर आप ठीक से कैलकुलेट करें तो। तो इस वजह से वो करना चाहिए, ना कि हर कोई 84 घंटे हफ्ते में काम किए जहाँ में नेट रिजल्ट 0 हो। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनियों को नौकरी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं उतना काम नहीं है, और सेकेंडली जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों का एफिशिएंसी बढ़ाओ, ना कि वर्किंग आवर्स बढ़ाओ। तो यही मुझे बोलना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।